जी साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। कल एलजी साहब ने अपना अभिभाषण दिया और पिछले एक वर्ष में दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रहे हैं, उनको शेयर किया। मैं सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देना चाहूँगी कि पिछले साल में जो एक महामारी का दौर था, पिछले साल में जब हमने देखा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, जब पूरे देश में चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, बेरोजगारी की समस्या हो, जब सभी समस्याएं चरम पर थीं, उस दौरान दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इतना विकास किया, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो मैं सबसे पहले उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और उनको बधाई देना चाहूँगी। एक ऐसे दौर में जब पूरे देश में इकॉनमी नीचे की तरफ आ रही है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिल्ली का GSDP पिछले 2 साल में 50% बढ़ गया है, जब पूरे देश में अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उस समय पे दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, जब पूरे देश के किसी भी की प्रति व्यक्ति आय से 3 गुना ज़्यादा है। हमारे माननीय विधायक ओपी शर्मा जी यहाँ पे बैठे हैं, अभी जब शिक्षा की बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जी 2 साल से तो स्कूल बंद पड़े हैं, 2 साल में ऐसा क्या कर लोगे जो स्कूल बंद है। तो आप जानना चाहते हैं शर्मा जी के 2 साल में बंद स्कूल में क्या क्या अचीवमेंट हो सकता है, तो मैं दिल्ली का तो नहीं, एक और राज्य की कुछ डिटेल जरूर शेयर करूंगी। एक राज्य है गुजरात, जहां पे काफी सालों से आपकी सरकार है और आपकी आपके कई माननीय नेता उस राज्य से आते हैं, तो मैं कुछ 2 साल की वहां की गुजरात की शिक्षा की अचीवमेंट शेयर करना चाहूंगी कि 2 साल में कितना कुछ अचीव हो सकता है, उसका उदाहरण भी हम इस विधानसभा में देख पाए। तो गुजरात में पिछले 2 साल की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 600 स्कूल गुजरात में बंद हो गए, 6000 तो टोटल बंद हुए हैं, 600 तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल वहां पे बंद हुए। 2 साल पहले वहां पे गुजरात में, 2 साल पहले गुजरात में 4000 क्लासरूम की कमी थी, पिछले 2 साल में अब वहां पे 18000 क्लासरूम की कमी हो गई है। ये है 2 साल का आपका अचीवमेंट। आज गुजरात में 700 ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है, ये आपके पिछले 2 साल का अचीवमेंट है। तो 2 साल में जब स्कूल बंद होते हैं तो किन नई ऊंचाइयों पे शिक्षा व्यवस्था को लेके जाया जा सकता है, वो गुजरात ने हमें मॉडल दिखाया, दिल्ली ने भी एक मॉडल दिखाया है। बिल्कुल सही बात है कि 2 साल से स्कूल बंद थे, बिल्कुल सही बात है कि ऑनलाइन क्लासेस करने में बच्चों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन दिल्ली ने यह मॉडल दिखाया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, उनके घर घर गए, उनके दरवाजा खटखटाया, जो दिल्ली से बाहर चले गए थे उनसे संपर्क किया, उन्हें दिल्ली वापस बुलाया कि उन बच्चों की पढ़ाई ना छूट जाए। ये दिल्ली का शिक्षा मॉडल है शर्मा जी, ये अंतर है। आप देखिए, इतने सारे बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी, इतने सारे बच्चे हैं जिनके घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने उन बच्चों के पास जिनकी सुविधा नहीं थी उनके लिए खास वर्कशीट्स बनवाई, उनके घर पहुंचवाई, ये होता है शिक्षा मॉडल। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों में जब गुजरात में स्कूल बंद हो रहे थे, जब गुजरात में टीचरों की कमी हो रही थी, जब गुजरात में क्लासरूम्स की कमी हो रही थी, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, दिल्ली सरकार ने स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस शुरू किए। दिल्ली सरकार ने ऐसे स्कूलों की शुरुआत की कि जहां पे चाहे साइंस, टेक्नोलॉजी, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, 21st सेंचुरी स्किल्स की आप बात करते हैं, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल दिल्ली सरकार ने शुरू किए। देखिए, आपको चाहे पता लगे ना लगे कि स्कूल अच्छे हैं, दिल्ली के लोगों को पता है, 2020 में जब इन स्कूलों का एडमिशन खुला तो 2200 सीटों के लिए 20,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई। ये सब दिल्ली के लोगों को पता है कि शिक्षा में इतना अच्छा काम हो रहा है। अभी 2021-22 के सेशन के लिए इन स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में 4,800 सीटें थी और आपको पता है कितनी एप्लीकेशंस आई,
इन 4,800 सीटों के लिए 80,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई। आज पूरी दिल्ली में लाइन लगी हुई है कि हमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना है। ये है दिल्ली का शिक्षा मॉडल, ये है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल। आप बात करते हैं कि 2 साल से स्कूल बंद हैं, तो इस 2 साल में दिल्ली ने अपना बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया, उस बोर्ड ऑफ एजुकेशन को इंटरनेशनल बैकलोरिएट के साथ एमओयू करवाया। आप जानते हैं कि आज पूरे देश में सिर्फ 50-60 ऐसे स्कूल होंगे जो देश के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं। आज तक पूरे देश में सिर्फ 50 ऐसे बड़े बड़े स्कूल आईबी के साथ हैं, लेकिन अब दिल्ली का जो बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो आईबी के साथ मिलके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देगा। लेकिन समस्या ये है कि भाजपा को तो पचता नहीं है कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाए, भाजपा को तो पचता नहीं है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप लोग राजनीति करते आए हैं वो कैसे चलेगी। दिल्ली सरकार ने एक और बेहतरीन कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम है देश के मेंटर। देश के मेंटर कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने आह्वान किया, पूरे देश के युवाओं का आह्वान किया कि आप आओ हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेंटर करो। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक बहुत बड़ा सुधार आया है। उस सुधार को आपको और मुझे अपनी आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, उस सुधार को आंकड़े बता रहे हैं। आप चाहे कहें कि स्कूल तो बंद थे और दिल्ली सरकार ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर ये भी सवाल बनता है कि 400 बच्चे आईआईटी में कैसे क्लियर हो गए, 500 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नीट का एग्जाम कैसे क्लियर करके चले गए। शायद वहां पर भी मुझे लगता है कि शायद हमारी कुछ चलती हो, शायद जिस आप कह रहे थे ना कि ये शिक्षा तो पढ़ाते तो है नहीं, इसे प्रचार करते हैं, हो सकता है कि जो आईआईटी की पेपर की चेकिंग कर रहे हैं वो एड देखते हो, पेपर ना देखते हो तभी एडमिशन हुआ होगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो हम पढ़ाते नहीं है। अब बिल्कुल ये भी वैसे अच्छा डेटा रहेगा अगर आप अगली बार लेके आए कि गुजरात के सरकारी स्कूलों से कितने बच्चों ने आईआईटी और नीट का एग्जाम क्लियर किया, ये भी आप हमें बताइएगा। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे आप देखिए अपने 12वीं के एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आते हैं, आईआईटी जेई का एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज हमारे सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत गरीब घरों से आते हैं। 2 साल पहले कालका जी विधानसभा क्षेत्र से, जहां से मैं विधायक हूं, जब 12वीं के नतीजे आए तो जो हमारे स्कूल के बच्चों के टॉपर्स थे उन बच्चों से मैं मिलने गई, और इस बात का मुझे इतना अचंभा हुआ और मुझे गर्व भी हुआ कि ये हमारे स्कूलों की अचीवमेंट है, लेकिन वो ज्यादातर बच्चे जो अपने स्कूलों को टॉप किए थे बहुत गरीब घरों से आते थे। जो बच्चे 12वीं का एग्जाम क्लियर करके कॉमर्स के टॉपर, साइंस के टॉपर, वोकेशनल स्ट्रीम के टॉपर थे, जब आप उनके घर जाइए तो आपको पता चलता है कि अपने घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे थे, उनके माता पिता तो 12वीं का एग्जाम भी नहीं पास किए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इन बच्चों को इतना आगे लेके आए। लेकिन जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जो एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जिसको पता नहीं है कि आगे पढ़ाई के लिए क्या ऑप्शंस हैं, जिसको पता नहीं है कि आगे करियर में क्या ऑप्शंस हैं, उसको एक मेंटर की जरूरत होती है, उसको ऐसे एक बड़े भाई बड़े बहन की जरूरत होती है जो उसे गाइड कर सके। हम सबकी जिंदगी में भी हमारे पास मेंटर रहे जो हमें बताते रहे, हमें गाइड करते रहे, लेकिन एक बच्चा जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उस बच्चे को गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और उन बच्चों के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है देश के मेंटर। आपको जान के खुशी होगी कि दिल्ली सरकार के आह्वान पे देश भर से 50,000 से भी ज्यादा युवा इस प्रोग्राम के लिए सामने आए और दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों को मेंटर करने लगे। इन 50,000 में से हजार से ज्यादा ऐसे युवा थे जो आईआईटी और आईआईएम के ग्रेजुएट थे। इसमें 25,000 से ऐसे युवा थे जो ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक कर रहे हैं। 22,000 ऐसे युवा थे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे या एंटरप्रेन्योर्स थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, शिक्षा की बात हो तो भाजपा को पचती कहां है, सरकारी स्कूलों में सुधार हो तो भाजपा को पचती कहां है,
आपकी केंद्र सरकार ने हमारे देश के मेंटर प्रोग्राम में भी बाधा डालने की कोशिश की और बार बार तरह तरह के नोटिस भेजे उस कार्यक्रम को बंद कराने के लिए। लेकिन मुझे गर्व है इस बात पे कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारे शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में आज भी ये देश के मेंटर कार्यक्रम चल रहा है और लाखों सरकारी स्कूल के युवाओं को आज अपने करियर्स के बारे में आगे की शिक्षा के बारे में मौका दे रहा है। और यही शिक्षा व्यवस्था आज पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है कि इसलिए सबसे ज्यादा भाजपा के नेता, मैं विधायक यहां पर भी देखती हूं कि आपके विधायक दल में सबसे ज्यादा परेशानी इनको हमारी शिक्षा की अचीवमेंट से होती है। इन्हें इसलिए उससे समस्या होती है क्योंकि देखिए, चलिए बिजली हो, पानी हो, बाकी सब सुविधाएं तो ठीक हैं, लेकिन अगर लोग शिक्षित हो गए दिल्ली में, पंजाब में और उसके बाद देश भर में, तो जो हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं भाजपा की, उनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा शिक्षा से समस्या है। मैं एक बार फिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पिछले एक वर्ष में इस मुश्किल समय के दौरान में भी दिल्ली के लोगों का उन्होंने इतना विकास किया। पूरे कैबिनेट का धन्यवाद करना चाहूंगी। शुक्रिया।